हम इस वक्त गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी के आवास फाटक पर हैं और यहाँ पर मुख्तार अंसारी के निधन की सूचना के आने के बाद भीड़ जमा हो गई है। और जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा होगा, यहाँ पे जिला प्रशासन में डीएम आर्यका अखौरी और एसपी ओम वीर सिंह, ये दोनों लोग यहाँ पर भारी फोर्स के साथ पहुँचे हुए थे और यहाँ पे परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। विधायक शोएब अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, वो मौके पर मौजूद थे। भीड़ को उन्होंने यहाँ से हटाया है और यहाँ पे हमारे साथ उनके कुछ समर्थक, उनके पड़ोसी खड़े हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? वकील हूँ। वकील भाई, आप यहीं रहते हैं जी? कब सूचना आई? सूचना मगरिब बाद। मगरिब बाद, तो मैं वकील भाई ये जानना चाहूँगा क्या सूचना आई थी? मैं सूचना ये है कि इंतकाल कर गए, अब उसके बाद भीड़ लगने लगी, तो एसपी साहब आए, डीएम साहब आए। परिजन जो हैं, अफजाल भाई या उनके बड़े भाई, ये लोग अंदर सब लोग यहीं हैं? यही हैं। क्या नाम है सर? औरंगजेब नाम है, पकनपुरा गांव है हमारा, यहाँ से 8 किलोमीटर। जी सर, भाई क्या सूचना मिली है? हम लोग मोबाइल चला रहे थे तो देखे कि ऐसा ऐसा अर्था हो गया है। जी सर, तो हम लोग तो शुरू से यहाँ से जुड़े हैं फाटक से, बहुत तकलीफ है, बहुत कम है सर। कहने सर, मुख्तार अंसारी के बारे में क्या बताएंगे? मुख्तार अंसारी बहुत नहायत शरीफ आदमी, नेक आदमी थे। कुछ लोग, चंद लोग उनको बदनाम किए हैं, लोग आए कि माफिया हैं, ये हैं, तो यह हत्या वो हत्या, सब फालतूपन का, गरीबों का मसीहा थे। यहाँ पे समझ लीजिए पूरा, अब कह लीजिए इस विधानसभा में क्या, पूरा कई कई जिला में गरीब लोग रो रहे हैं सर, आए कोई आंसू पोछने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? जी सर, हमने पहले ही बताया, अजमल सिद्दीकी मेरा नाम। अजमल सिद्दीकी जी सर। अजमल, मुख्तार अंसारी की जब सूचना आई थी, क्या सूचना आई? सर, हम लोग तरावी पढ़ के निकले मस्जिद से, पखनपुरा मेरा भी घर है, तरावी पढ़ के निकले तो मेरा भाई मोबाइल पे देख रहा था कि उनको हार्ट अटैक आया है, बांदा जेल से उनको रेफर किया हॉस्पिटल ले गया है। तो थोड़ी ही देर बाद न्यूज में ही आने लगा कि उनका मृत्यु हो गई, उनकी यही सूचना मिली। बहुत दुखद घटना है। फाटक पे जब मैं आया तो बहुत ढेर सारी भीड़ थी, मैं देखा कि मुख्तार अंसारी के जो भतीजे हैं शोएब अंसारी, क्या नाम है उनका? वो शोएब अंसारी विधायक जी, विधायक जी मन्नू अंसारी। हाँ। और उनके पिताजी जो, क्या नाम है? शिवकतुल्ला अंसारी सर। दोनों लोग भीड़ को कह रहे थे घर जाने के लिए। हाँ हाँ। तो आप लोगों से बात हुई है कुछ? नहीं सर, हम उस वक्त नहीं थे, हम पखनपुरा से अभी जस्ट आ ही रहे हम लोग, और रास्ते मतलब गाड़ी ले होके आए हैं, अभी जस्ट आ ही रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग और हैं, क्या नाम है सर आपका? शाहनवाज अहमद। शाहनवाज, आप यहीं रहते हैं? जी, लोकल के ही हैं। क्या सूचना आई शाहनवाज? सूचना यही आई कि मोबाइल में हम लोग देख रहे थे तो ऐसे अचानक मोबाइल पे ये सूचना आया कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक उठा है जी। उसके बाद आनन फनन में यहाँ पे बहुत लोग आने लगे, तो वही देखे लोग, पता किए, तो पता चला कि कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। फिर आधे घंटे के बाद पता चला कि मामला क्रिटिकल है जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि क्या, विधायक जी ने भी बताया इस बात को? हाँ, विधायक जी ने भी कहा और लोगों से अपील भी की है कि आप लोग अपने घर पे जाएं और मिट्टी की सूचना कल दी जाएगी। तो क्या अभी मिट्टी की सूचना नहीं आई है? अभी मिट्टी की सूचना नहीं दी गई है, अब न भी कोई मिट्टी की सूचना आई है। मुख्तार अंसारी के घर पर हैं, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि ये गेट दिखाएँ, मैं इधर, आप दिखाएँ, और ये जो आप गेट देख रहे हैं इसकी, इसी को मुख्तार अंसारी के घर का फाटक के नाम से ये मशहूर है। और जितनी भी भीड़ देख रहे हैं ये समर्थक हैं, और सूचना आई है मुख्तार अंसारी के निधन की, और जो विधायक शोएब अंसारी उनका नाम है, मन्नू मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, बड़े भाई शिफकतुल्ला अंसारी के वो लड़के हैं, वो यहीं पर हैं। बड़े भाई शिफकतुल्ला अंसारी भी यहीं हैं, और जो सांसद हैं गाजीपुर के अफजाल अंसारी, वो भी यहीं पे मौजूद हैं, अभी वो लोग बांदा नहीं गए हैं। ये सूचना मिल रही है कि जो भी बांदा से सूचना आएगी मिट्टी लाने की, वो यहाँ पर से घर वाले इंतज़ाम करेंगे। आपको बता दें कि यहीं पे बगल में उनके घर का कब्रिस्तान है, जो घरेलू कब्रिस्तान, और अगर मिट्टी आती है तो सारा क्रियाकर्म वहीं किया जाएगा। इस वक्त भारी संख्या में फोर्स है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर से आके दिखाएं, और शांति व्यवस्था पूरी रखी गई है, फोर्स भी है, डीएमएसपी भी हैं, और
शांति व्यवस्था बनी हुई है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।